नमस्ते देवी और सज्जनों, आप सभी को वेदिका द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग दिसंबर 14, 2020 के हिंदू न्यूज़पेपर को देखने वाले हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी में एक विनती है कि आप सभी व्यूअर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल दीक्षा स्पेस में सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी कार्यक्रम आपको समय समय पर अपडेट हो। और बिना भूले ये इस कार्यक्रम के फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक ही इस कार्यक्रम को और भी अच्छी तरह से इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हेल्प होगी। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इसमें डिस्कस किए गए करंट अफेयर्स से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भरपूर हो और आप इस जर्नी को एंजॉय करें। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला आर्टिकल है रेयर मेरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग फाउंड इन त्रिशूर। तो इस आर्टिकल को हम 2018 में वजाचल फॉरेस्ट, जो वेस्टर्न घाट्स में है, ये वजाचल फॉरेस्ट केरला डिस्ट्रिक्ट में आता है, केरला स्टेट में आता है। तो ये वजाचल फॉरेस्ट में मिस्टिका स्वैम्प कह के एक आर्बोरियल फ्रॉग को पाया गया था। तो ये आर्बोरियल स्पीशीज़ क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। आर्बोरियल स्पीशीज़ मतलब जिनकी लोकोमोशन ट्रीज़ के ऊपर रहती है, मतलब पेड़ों के ऊपर ये ज़्यादातर वास करते हैं, तो इन्हें हम लोग आर्बोरियल स्पीशीज़ कहते हैं। तो मेरिस्टिका स्वैम्प जो है वो एक आर्बोरियल स्पीशीज़ है और इसे पहली बार 2013 में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के कलातुपुज़ा फॉरेस्ट में पाया गया था। कलातुपुज़ा रिजर्व फॉरेस्ट है वो एक, और 2018 में वजाचल फॉरेस्ट में ये मेरिस्टिका स्वैम्प पाया गया है। तो इस रिसर्च में ये पता चलता है कि पहली बात, मेरिस्टिका स्वैम्प एक एंडेमिक स्पीशीज है वेस्टर्न घाट्स को, और ये एक आर्बोरियल स्पीशीज है। और ये समझा गया है कि जैसे कि 2013 में कोल्लम में पाया गया था और 2018 में त्रिशूर में पाया गया है, तो ये स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सटेंड हो रहा है वेस्टर्न घाट्स में, इसकी वजह से एम्फीबियन या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं कि इन एम्फीबियंस को बचाने के लिए कोई कार्यक्रम उठाना चाहिए। और ये एक नीची स्पीशीज़ होने के कारण, नीचे मतलब वो जिस एरिया में रह रहा है उस एरिया का बहुत इम्पॉर्टेंट बायोमार्कर होता है, तो नीचे स्पीशीज़ को बचाना बहुत अमूल्य है इन एम्फीबियंस को बचाने के लिए इन वेस्टर्न घाट्स में। तो इस आर्टिकल में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में समझना है तो मेरिस्टिका स्वैम्प जो आर्बोरियल स्पीशीज़ है वो किस राज्य में पाए जाते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है इन बायोडाइवर्सिटी एम्फीबियंस को प्रोटेक्ट करने में, हमारी ये समझ बढ़ानी है यहाँ पे। दूसरा आर्टिकल है स्लो डाउन इन लोन्स सैंक्शन टू स्ट्रगलिंग फर्म्स। तो इस आर्टिकल में हम लोग जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इस क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अतिरिक्त मई महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त 20 लाख करोड़ रुपए जो फाइनेंशियल पैकेज कोविड-19 के समय में लाया गया था, उसके अंदर इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अतिरिक्त बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस हो गए थे, उनकी सहायता के लिए इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लाया गया था। तो अभी इस दौरान, मतलब इस आर्टिकल में समझने वाली ये बात है कि जो स्कीम बिजनेस और एमएसएमई के लिए लाया गया था, वो स्कीम के अतिरिक्त बिजनेस और एमएसएमई वाले लोन्स सैंक्शन कराने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है उन बिजनेसों को। इस आर्टिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए में समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जैसे हमने देखा मई महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, इसके अंदर जो भी बिजनेसेस और एमएसएमईज है उनको स्टिमुलस देने के कारण इस स्कीम का लॉन्च हुआ था। इस स्कीम के अतिरिक्त कैपिटल फाइनेंस जो है 20% बोरोवर्स की क्रेडिट के आधार पर देने का निश्चय किया गया था, और इस स्कीम के अंदर जो भी टर्म लोन दिया जाएगा वो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट में दिया जाएगा। इसी स्कीम के अतिरिक्त नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के अतिरिक्त 45,000 करोड़ दिए गए। उसके अंदर हाउसिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एमएसएमईज को भी लोन देने के लिए इनमें प्रावधान बनाए गए। इसके अतिरिक्त जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी इनिशिएटिव्स सरकार ने
पोस्ट कोविड 19 के दौरान बिजनेस और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए स्टेप्स लिए हैं, उन्हें यहाँ समझने की बहुत आवश्यकता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आ सकता है और उसके अंदर जो जो प्रावधान है और जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को इनसे फैसिलिटीज मिली हुई है। और मेंस में जैसे कि मैंने बताया, पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड में या कोविड 19 के दौरान बिजनेसेस और एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, ये हमें यहाँ याद रखना है। अगला आर्टिकल है चाइना मून प्रोब्स हेड्स बैक टू अर्थ। यह आर्टिकल हम लोग चाइना के चांग ई 5 मिशन के बारे में जानने के लिए देख रहे हैं। तो चांग ई 5 मिशन चाइना ने 24 नवंबर को लॉन्च किया था और दिसंबर 1 को ये मून पहुंचा है। उसके बाद ये अभी वापस धरती पे आ रहा है, तो टोटल ओवरऑल ड्यूरेशन इसका 23 दिन हो रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि 1970s के बाद चाइना एकमात्र राष्ट्र है जो चांद से सैंपल्स लेके वापस आ रहा है, लेकिन आज तक विश्व में यूएस और रशिया के बाद चाइना तीसरा राष्ट्र होगा जो मून से मतलब चांद से वहाँ की धरती की सैंपल्स लेके वापस अर्थ को आ रहा है। जाना जा रहा है कि करीबन 2 किलोग्राम के सैंपल्स को ये चांग ई 5 मिशन लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी जो वेट है वो बाद में देखेंगे आगे के आर्टिकल्स में कि कितना सक्सेसफुल हो रहा है। जब ये मंगोलिया के एक रीजन में लैंड करेगा उसके बाद में इसकी डिटेल्स सारी पता चलेंगी। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना का स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में हमें यहाँ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल है कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट्स इन मोदी हसीना समिट। इस आर्टिकल को हम भारत और बांग्लादेश के बीच एक वर्चुअल बायलैटरल समिट दिसंबर 17 को होने वाला है और इसके अतिरिक्त किन किन विषयों पे भारत और बांग्लादेश के बीच में बातचीत होने वाली है उन विषयों को हम यहाँ जानने वाले हैं। पहला कहा जा रहा है कि चिल्हती और हल्दीबारी रेलवे लिंक। ये चिल्हती और हल्दीबारी रेलवे लिंक जो है ये 12 किलोमीटर रेलवे लाइन है जो 55 साल पुरानी है और 55 साल बाद पहली बार इस लाइन को फिर से ऑपरेशनल किया जाएगा, इस बात का विषय इसमें किया गया है। और इसके साथ जैसे कि हमें सब पता है कि कोविड 19 के दौरान और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे उसके बाद ये जो पहला समिट हो रहा है, इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती और आगे बढ़ने की संभावना देखी जा रही है और इस समिट के दौरान तीस्ता इशू के बारे में भी डिस्कस होने की संभावनाएं देखी जा रही है। जैसे कि हम सबको पता है तीस्ता नदी सिक्किम राज्य में ओरिजिनेट होता है और बांग्लादेश में फ्लो होकर समुद्र में मिलता है। यहाँ पे तीस्ता नदी के विवाद को देखा जाए तो तीस्ता नदी पहले से ही वाटर शेयरिंग के विषय में बांग्लादेश और बंगाल के बीच में मतलब भारत के बीच में बहुत ही डिस्प्यूटेड इशू था। 2011 में इस इशू को रिजॉल्व किया गया, लेकिन उस समय इस इशू को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने नकार दिया था, क्योंकि अगर 50% पानी तीस्ता का बांग्लादेश को दिया जाएगा तो कलकत्ता पोर्ट और वहाँ के जो भी किसान हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो बंगाल कैसे उसे पूरा करेगा। इस विषय पे ममता बनर्जी ने पहले से भी इसे विरोध किया था। तो इस जो बायलैटरल समिट आगे दिसंबर 17 को होने वाला है उसमें तीस्ता नदी के अग्रीमेंट का जो साइन होने वाला है उसके बारे में भी बातचीत की जा रही है या हो सकती है का संभावना डाल रहे हैं। और तीस्ता नदी के साथ में और पेनिनसुला रिवर्स जो मोनू मुहरी खोवाई गुमटी दरला और दुधकुमार, ये पेनिनसुला रिवर्स के बारे में एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि ये बैकग्राउंडर्स आप सभी को फ्यूचर एनालिसिस के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो ये पेनिनसुला रिवर्स के जो वाटर शेयरिंग है जो भी पानी का डिवाइड होने वाला है उसके बारे में बातचीत होने की संभावना है। तो ये चिल्हाती और हल्दीबारी रेलवे लाइन जो 12 किलोमीटर की है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में 5वां रेलवे लिंक लाइन बनने वाला है। इससे पहले तो 4 और कौन कौन से हैं, राधिकापुर बिरल सिंहबाद रोहिनपुर और पेत्रापुल बेनापुल, ये 3 और 4वां है चिल्हाती हल्दीबाटी और गिड़ी और दौनपुर। तो गिड़ी और दौनपुर यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर पाया, तो गिड़ी और दौनपुर 4था रेलवे लिंक लाइन है जो बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है। और 6ठा रेलवे लिंक लाइन जो ढाका और सिलीगुड़ी के बीच में इनॉग्रेट किया जाएगा मार्च 26 तारीख को। तो मार्च 26 तारीख बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्र दिवस के मार्क पर ये रेलवे लाइन की इनॉग्रेशन की संभावना है।
और इसी समय इस एक वर्चुअल समिट में एक पेट्रोलियम फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा जो सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर को कनेक्ट करता है। ये 2018 में इसके बारे में फाइनलाइज किया गया था और कंस्ट्रक्शन लास्ट वीक में इसका शुरू हो चुका है। इसके बारे में भी डिस्कशंस इस वर्चुअल समिट में होने की संभावनाएं देखी जा रही है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में हम यहाँ याद रखना है कि इन फैक्ट्स को कि 12 किलोमीटर की लैंड लाइन जो चिल्हाती और हल्दीबाड़ी है वो फिफ्थ रेलवे लाइन है। इससे पहले की चार रेलवे लाइनों को हमने यहाँ डिस्कस किया है और छठा रेलवे लाइन दो दीमापुर और सिलीगुड़ी के बीच में होगा उसके बारे में ढाका और सिलीगुड़ी के बीच में 26 मार्च को ये इनॉग्रेट किया जाएगा। उसके साथ में पेट्रोलियम पाइपलाइन और तीस्ता रिवर के बारे में भी हमें जानकारी होने की ज़रूरत है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में किन किन क्षेत्रों में हमारे नेबरहुड बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध कैसे हैं और किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रोग्रेस है इसकी जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल है द रूट ऑफ द एग्रीकल्चरल क्राइसिस रन ट्रिप। इस आर्टिकल में हम लोग सरकार ने जो सितंबर महीने में 3 फार्म बिल्स को जारी किया गया था उसके विरुद्ध किसानों ने क्राइसिस मतलब किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। इसमें 3 कंटेंशियस इशू थे, एक कि प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन दिया गया है, दो कि एपीएमसी के बाहर भी आप ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स, तीसरा एमएसपी के बारे में शंकाएं। तो इन तीनों के विरुद्ध किसानों ने अपनी वॉइस रेज की है या अपने कंसर्न्स को सरकार के सामने प्रोटेस्ट के द्वारा रखी हुई है। इसके दौरान यहाँ पे समझने की बात है कि इन 3 फार्म बिल्स ही एक कारण नहीं है किसान विरोध व्यक्त कर रहे हैं, इससे अलावा भी किसान के जिंदगी में और भी कुछ रीजंस थे जो इन 3 फार्म बिल्स पे प्रभाव पड़ रहा है। पहला ये था कि फार्मर्स इनकम किसान की इनकम में बहुत ही घटत होने के कारण, और दूसरा अगर सरकार जो सपोर्ट देना चाहिए उसमें अगर बदलाव होगा तो यूजुअली क्राइसिस या विरोध व्यक्त होगा ही होगा। अगर गए 4 साल में आप देखोगे तो तमिलनाडु के कुछ किसान भी दिल्ली में 100 दिन के लिए विरोध व्यक्त किए थे, महाराष्ट्र में किसान लॉन्ग मार्च हुआ जहाँ पे एक नहीं दो दो तीन तीन बार इस मार्च को किया गया, राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा और गुजरात कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने विरोध व्यक्त किया कुछ विषयों पे, और मध्य प्रदेश के मंडसौर में 5 किसानों पे पुलिस ने गोली भी चला दी। तो यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट या जो भी विरोध किसान दिखा रहे हैं उसका मेजर या मेन मुद्दा है डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल इनकम, किसान की इनकम में हो रहा घटत, और जो वेजेस किसान को मिल रहे हैं रेंट उसमें भी स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन वेजेस में कहाँ बदलाव हो रहा है। तो और तीसरा है अगर स्टेट एमएसपी को निकाल रहा है या निकालने के बारे में सोच रहा है तो स्टेट सपोर्ट किसानों की ज़िंदगी से चला जाएगा। तो ये 3 मुद्दे हैं जो पहले से किसानों की ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल में डाल दिया था, और ये 3 फार्म बिल एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हुए जहाँ पे सारे किसान पूरे देश भर में उठ के इस विरोध को दिखा रहे हैं। आज एग्रीकल्चर में देखा जाए मतलब कृषि में देखा जाए तो 3 और बड़े मुद्दे हैं, एक किसान जो अनाज बुना रहा है उसके लिए उसे सही पैसा नहीं मिल रहा है मतलब रिन्यूरेटिव प्राइजेस, दूसरा है मैकेनाइजेशन किसान मतलब कृषि में हो रहे नए तकनीक और नए टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट, तीसरा है और मोनेटाइजेशन पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, इनपुट और आउटपुट कास्ट में बहुत डिफरेंस देखा जा रहा है। तो इन सब के दौरान जब सरकार जो खेती करने के बाद किसान अनाज उगा रहा है अगर उस अनाज को सही दाम पे नहीं ले पाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। जैसे कि देखा जाए तो एमएसपी अगर होलसेल इन्फ्लेशन इंडेक्स वीट का देखा जाए तो गए अगस्त सितंबर और अक्टूबर में नेगेटिव दिखा रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे राज्यों में अनाज की खरीदी एमएसपी से नीचे हो रही। अगर गेहूं देखा जाए तो 20-40% एमएसपी से कम दाम में सरकार ने खरीदा है, और मेज को देखा जाए तो 40-60% प्राइस एमएसपी से कम दाम में खरीदा जा रहा है। अगर जब सरकार ही इन 23 क्रॉप्स जो एमएसपी देती है उन्हें ही सही दाम पे नहीं ले रही है तो प्राइवेट कहाँ से फार्मर्स के लिए कोई अच्छा सोचेगा। तो ये एक नया मुद्दा है या इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो इन 3 फार्म बिल्स पे रखा जा रहा है।
जैसे कि हमने डिस्कस किया, रेन्यूमरेटिव प्राइजेस, मैकेनाइजेशन और मोनेटाइजेशन तीन इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जो अभी फार्मर्स के ज़िंदगी में बहुत मुश्किल पैदा कर रही है। इस समय में जैसे मोनेटाइजेशन के बारे में बात की, जैसे कि मोनेटाइजेशन या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, वैसे वैसे लोन बर्डन किसानों पर ज़्यादा होता जाएगा और लोन डिफ़ॉल्ट भी हो रहे हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर प्राइजेस बढ़ गए हैं, डीजल के सब्सिडी निकाल दिए गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइजेस भी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो आज कृषि में काम करना बहुत ही कॉस्टली हो गया है या बहुत ही हाई कॉस्ट हो गया है। जब इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होगा और आउटपुट कॉस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो इन कारणों को या इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को सरकार जाने और एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी बनाए ताकि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को जोड़ के एक डाइवर्सिफाइड फील्ड बना सके, ताकि वो रेन्यूमरेटिव हो, वो किसानों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सके। अगर आज इनोवेटिव प्रॉब्लम या इनोवेटिव थिंकिंग नहीं किया जाएगा किसानों को बचाने के लिए, तो जो सरकार ने दिखाया है विजन ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसे देखना बहुत ही मुश्किल होगा और वो एक सपना ही बना रहेगा। इस आर्टिकल में लेखक ने अपने विचार बताए हुए हैं। अगला आर्टिकल है सेक्टर दैट नीड्स टू बी नर्स्ड बैक टू हेल्थ। तो इस आर्टिकल को हम एक ज़रूर विषय पे देखेंगे कि COVID-19 के बाद भारत में फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ वर्कर्स का इम्पोर्टेंस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में बहुत मुख्य पात्र होता है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन भारत में नर्सिंग एजुकेशन जो है उसमें तीन लोप दोष देख रहे हैं। एक है पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, इसे याद रखना, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा, और तीसरा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस। तो हम पूरा आर्टिकल इन तीन विषयों पे जानकारी लेंगे कि ट्रेनिंग के विषय में नर्सेस के डोमेन में कहाँ कहाँ भारत पीछे है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ट्रेनिंग के कॉलेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस। इसके पहरान पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये नर्सेस और मिडवाइफ जो हैं, भारत के हेल्थ केयर वर्करों में देखा जाए तो 2/3 नर्सेस बनते हैं, लेकिन इनका रेशियो अगर देखा जाए तो 1000 पेशेंट्स को सिर्फ 1.7 नर्सेस की संख्या है। ये वर्ल्ड HO के नॉर्म के हिसाब से 43% कमी देखी जा रही है इन नंबर ऑफ नर्सेस में अगर देखा जाए। तो भारत में अभी 2.4 मिलियन नर्सेस की ज़रूरत है अगर हम WHO के नॉर्म को पूरा करना चाहेंगे। तो भारत में ना कि सिर्फ नर्सेसों की संख्या कम है, उसके अलावा नर्सेस जो भी है उनमें ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रैक्टिसेस में भी बहुत ही लोप दोष देखे जा रहे हैं। भारत में अगर इन तीनों सेक्टरों में बात करें तो पहला ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं। ट्रेनिंग के बारे में अगर देखा जाए तो नर्सेस की एजुकेशन जो भारत में होती है वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम्स क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल क्षेत्रों में की जाती है। इनकी एजुकेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल प्रिस्क्रिप्शन, इंस्पेक्शन, परीक्षाएँ और सर्टिफिकेशन का डिपार्टमेंट देखा करती है। लेकिन भारत के 91% नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और वीकली रेगुलेटेड हैं। इनके दौरान जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है, इनकी करियर की कोई क्लियर रोल या करियर प्रोग्रेशन ना होने के कारण नर्सिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ोतरी भारत में नहीं मिल रही है। ट्रेनिंग में अगर डिप्लोमा हो गया या सर्टिफिकेशन हो गया, उसके बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ताकि उनकी स्पेशलिटी या उनकी स्किल स्पेशलिटी में बदलाव हो। लेकिन भारत में इन स्पेशलिटी या स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, इसीलिए क्वालिटी नर्सेस और क्वांटिटी ऑफ नर्सेस में भारत बहुत पीछे रह चुका है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन या स्किल डेवलपमेंट में ना जाने के कुछ कारण हैं। पहली बात, भारत में जो भी नर्स हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे या डिप्लोमा करे या सर्टिफिकेशन करे, सभी नर्सेसों को एक ही ग्रेड में देखा जाता है। जब भी नर्सेस को हॉस्पिटल्स में रिक्रूट की जाती है तब उनकी डिग्री की मान्यता नहीं दी जाती। सभी नर्सेसों को एक ही तराजू में तोलने के कारण पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नर्सेसों का मोटिवेशन बहुत कम है, और इन नर्सेसों को सभी को एक ही सैलरी दी जाती है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके क्या फ़ायदा। पोस्ट ग्रेजुएशन नर्सेस को अंडर यूटिलाइज और अंडर पेमेंट दिया जा रहा है। और दूसरा बात है डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो देश में जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं अराउंड 61% कॉलेजेस हमें साउथ इंडिया में ही देखी जाती हैं। इसका मतलब है कि देश में ज़्यादातर कॉलेज साउथ इंडिया में ही स्थापित हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होने के कारण लोगों को नर्सिंग में पढ़ाई करने की अवकाश भी बहुत कम मिल रहे हैं। इसके दौरान पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ 12 डिप्लोमा कोर्सेस मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेस को रोल आउट किया गया है, लेकिन लैक ऑफ एडमिशन और हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइजेशन ना मिलने के कारण इन कॉलेजों का सक्सेस रेट बहुत कम है। इसके अलावा 86-80% ऑफ फैकल्टी जो भी शिक्षक मतलब लेक्चरर्स की ज़रूरत है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में, उनकी भी कमी देखी जा रही है। इस समय और एक विषय के बारे में बात किया जा रहा है कि भारत में जो भी 15 या 50 बेड से कम संख्या में हॉस्पिटल बनाया जाता है वहाँ पे यूजुअली कोर्सेस मतलब नॉर्मल कोर्सेस किए हुए नर्सेसों को अपॉइंट किया जाता है, तो उन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं होता है। इसके दौरान दो चीज़ों को यहाँ समझना है, एक है इंडियन नर्सिंग एक्ट जिसके अतिरिक्त रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो नर्सेस के बताने चाहिए उन्हें क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दिया गया है। अगर क्लियर कट उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता रहे हैं तो पेशेंट सेफ्टी को खुद भारत सरकार डेंजर में डाल रहा है। दूसरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अतिरिक्त जो भी पेशेंट होता है उसे कंज्यूमर माना जाता है और इस कंज्यूमर का कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसे डॉक्टर या हॉस्पिटल को दोषी ठहराया जाता है। इसके अंदर समझने की ये बात है कि नर्सों को कोई भी लीगल अंडर एस्टिमेट मतलब लीगल प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं लाया जा रहा है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में नर्सेस को इन लीगल प्रैक्टिसेस में मतलब मेडिको लीगल इश्यूज़ के दायरे में लाया जाता है। तो भारत में अगर जब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अतिरिक्त मेडिको लीगल इश्यूज़ के अंदर नहीं लाएंगे तो नर्सेस रेस्पॉन्सिबल कैसे होंगे? तो जब तक नर्सेस की पोजीशन को एक लीगल स्टेटस, एक सोशल स्टेटस और एक इकोनॉमिक स्टेटस नहीं दिया जाता, भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आकांक्षा जो रखी जा रही है जिनमें नर्सेसों का सेंट्रल रोल है वो तब तक फुलफिल नहीं होगा। भारत में तीन हिस्सों में मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया मतलब गवर्नेंस वाइज इश्यूज़ में, और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेनिंग की दिशाओं में काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी नीति आयोग ने एक मॉडल फॉर्मुलेट किया है जिसके अतिरिक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन मेडिकल एजुकेशन की बात की जा रही है। इसके अतिरिक्त नर्सिंग एजुकेशन दी जाएगी पब्लिक में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकी प्लेसमेंट या रिक्रूटमेंट के बारे में काम किया जाएगा, और इसके लिए जो भी फंड चाहिए वो वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म के अतिरिक्त उठाया जाएगा। तो भारत में इस नर्स की मतलब जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात की जा रही है और नर्सेसों की स्टेटस को अगर नहीं बढ़ाया गया तो आगे से देश में हेल्थ के क्षेत्र में जो भी बढ़ाव या जो भी फ्यूचर भारत देख रहा है उसे अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। और करियर ऑप्शंस को नर्सिंग में बहुत बढ़ावा देने के कारण ही लोग नर्सिंग की पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड होंगे। इस समय और एक आर्टिकल या और एक बिल के बारे में बात किया जा रहा है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बिल। इस बिल्स में सोचा गया है कि जो जो ड्रॉबैक्स ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया गया है इन क्षेत्रों में इस बिल की सुनवाई होगी और नया भारत हेल्थ क्षेत्र में नर्सों के लिए कुछ नए प्रोविजंस बनाए जाएंगे, वो हमें देखना होगा आगे के समय में। Hazardous Ideas for the Himalayas, इस आर्टिकल को हम सेंट्रल कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट यूथ लीग के वेबसाइट पे एक आर्टिकल के जारी होने के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। उस आर्टिकल में बताया गया है कि चाइना एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 14th फाइव ईयर प्लान जो 2021 से 25 तक होगा उस प्लान के अतिरिक्त यारलुंग जैंगपो मेडोंग काउंटी में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने की आशाएं दिखा चुका है। और इस प्रोजेक्ट के अतिरिक्त 300 बिलियन किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर साल जनरेट किया जाएगा और चाइना अथॉरिटीज़ ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से चाइना कार्बन एमिशन पीक को 2030 के पहले ही अचीव कर लेगा और 2060 तक
चाइना कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र बन जाएगा। इस न्यूज के दौरान भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है वहां पे एक 10 गीगावाट पावर स्टेशन के बारे में भारत ने भी घोषणा कर दी है। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि दोनों राष्ट्र जो सुपर डैम के बारे में बात कर रहे हैं और ये एरिया जो जियोलॉजिकली अनस्टेबल है ये एक मिस एडवेंचरिज्म है। जैसे कि यहाँ पहले से ही सब कुछ पता है कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स यहाँ होने के कारण यह रीजन बहुत सेस्मिकली अनस्टेबल है, लेकिन गए 20 सालों में अगर देखा जाए तो चाइना और भारत दोनों यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनाने के लिए बहुत ही कंपटीशन दिखा रहे हैं। जाने कि ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल और सेस्मिकली वल्नरेबल रीजन है, भारत ने अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी में दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एक है 600 मेगावाट वाला कामेंग प्रोजेक्ट जो बेचोम और तेंगा रिवर पे है, और दूसरा है 2000 मेगावाट वाला सुबनसरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये दो प्रोजेक्ट्स को प्लीज़ याद रखें। और चाइना ने अब तक 55 प्रोजेक्टों में से 11 प्रोजेक्टों को टिबेटियन रीजन में कंप्लीट भी कर चुका है। तो इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो भी दोनों राष्ट्र बना रहे हैं ये अपने आर्थिक पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी को शायद ये भूल रहे हैं। इस हाई सेस्मिक जोन में ना कि प्रोजेक्ट्स या मटेरियल का नाश होगा और हाई पॉपुलेशन जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ही डैमेज ये पहुँचाएगा। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 15% जो भी बड़े बड़े अर्थक्वेक हुए हैं इस 20वीं शताब्दी में वो इस हिमालयन रीजन में ही हुए हैं। उदाहरण के लिए 1950 में जो अर्थक्वेक हुआ था मैकमोहन लाइन के साउथ में वो 8.6 मैग्नीट्यूड का बना हुआ था। रिक्टर स्केल पे देखा जाए तो 6.8 मैग्नीट्यूड अगर दिखाता है तो दैट इज़ वेरी डिजास्ट्रस। और इस अर्थक्वेक की वजह से तिब्बत और असम रीजन में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। 2015 में गोरखा अर्थक्वेक जो नेपाल में हुआ था उसका मैग्नीट्यूड था 7.8। इसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा नाश हुई और 20% जो भी कैपेसिटी थी नेपाल की इस अर्थक्वेक की वजह से नाश हो गया। और 30 प्रोजेक्ट जो 217 मेगावाट के थे इसकी वजह से इस अर्थक्वेक की वजह से वो भी डैमेज हो गए और पूरा लॉस जो नेपाल को हुआ उसे अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन बताया जा चुका है। तो ये रीजन जो सेस्मिकली वल्नरेबल है और अर्थक्वेक फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो सकता है और सिल्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है, जैसे ऐसे प्रॉब्लम्स में ये दो प्रोजेक्ट्स को बनाना कितना सही है ये वहाँ डिस्कस किया जा रहा है। जैसे कि हम सबको पता है हिमालयन रेंज जो है वो ट्रांसनेशनल माउंटेन चेन है, मतलब दूसरे राष्ट्रों में भारत चीना नेपाल तिब्बत तो इन रीजनों में जो भी बड़ा हुआ है इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसकी वजह से एशिया की क्लाइमेट जो है वो मेंटेन होती है और पहले से ही ये जो माउंटेन चेन है डिग्रेड होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले से ही रिट्रीट होता जा रहा है और इसकी पानी की वजह से बिलियंस ऑफ पीपल उस पर निर्भर है। अगर भारत और चाइना दो जो न्यूक्लियर राष्ट्र हैं ऐसे ऑनगोइंग मिलिट्री कन्फेंट्रेशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को ज़्यादा न्योता देंगे तो वहाँ पे जो भी पहले से बायोडाइवर्सिटी हजार्ड्स हो रहे हैं उनकी वजह से वहाँ की लोकल पॉपुलेशन पे भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव गिरेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस रीजन को एक नेचर रिजर्व बना दें इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तहत ताकि कोई भी इसे डिस्टर्ब ना कर सके और यहाँ की पानी जो है वो हिमालयन रिवर कमीशन के अतिरिक्त ला दें ताकि इसे एक्सप्लॉयट ना होने दे। जो भी डैम एक्टिविटीज़ को भारत और चाइना बनाने के बारे में सोच रहा है उस मिलिट्री एडवेंचरिज्म को डिसएंगेज करके इस रूफ ऑफ द वर्ल्ड को नेचुरल रिजर्व जो है इसे मानवतावाद के लिए मतलब ह्यूमैनिटी के लिए बचाया जा सके। कार्बन न्यूट्रलिटी बनाने के सपने के लिए हमारे देश के एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं किया जा सकता, इसके बारे में चाइना और भारत को सोचने की आवश्यकता है। लेखक ये बात प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे। अगला आर्टिकल है इनोवेशंस फॉर क्लीनर एयर।
पिछले 10 सालों में देखा जाए तो भारत ने एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग में जो प्रोग्रेस की है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जैसे कि हम सबको ने देखा है कि भारत ने अराउंड 250 एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस, कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस पूरे देश में बनाए हुए हैं और 800 एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस आज देश में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर भारत में जो एयर क्वालिटी की चैलेंज है उसके विरुद्ध बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स किए हुए हैं ताकि सिटीजन्स को, हमारे देश की प्रजा को पता चले कि इसका इम्पोर्टेंस हमारे हेल्थ पे और एनवायरनमेंट में कितना हो रहा है और एयर पोल्यूशन की समस्या को गंभीर से देखा जाए और एयर पोल्यूशन कम करने में हम सब लोग हाथ जुटा पाए। जैसे कि अभी जो सरकार बात कर रही है कि मतलब जो भी इनिशिएटिव्स अब तक सरकार ने ली हैं वो सभी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही हैं। जैसे कि 2018 और 19 से कंपेयर किया जाए तो 2020 और 21 में ज़्यादा बजट दिया गया है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है जिसको पेनल्टी प्रोविजंस दिए गए हैं पोल्यूटर्स के विरुद्ध। भारत ने BS4 से 6 को ट्रांसफ़र कर दिया है व्हीकल्स को और भारत सरकार ने ई मोबिलिटी व्हीकल्स को बढ़ोतरी दी है और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अतिरिक्त इंडोर एयर पोल्यूशन जो है रूरल एरियाज़ में उन्हें निकालने के लिए LPG कवरेज ज़्यादा की गई है। तो ये जो भी प्रोविजंस या जो भी स्टेप्स सरकार ने ली है ये सारे प्रोविजंस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए क्या प्राविधान या क्या ऑप्शंस देखे गए हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से, मतलब ये जो प्रोविजंस थे ये सरकार की तरफ से थे, तो इंस्टीट्यूशंस क्या काम कर रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो पूसा इंस्टीट्यूट जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से एक बायो डिकम्पोजर का इनोवेशन किया गया है। इस बायो डिकम्पोजिशन इनोवेशन के दौरान 15 से 20 दिन में स्टबल बर्निंग को मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है। तो इस फर्टिलाइजर मशीन के दौरान जो स्टबल बर्निंग राजस्थान हरियाणा यूपी से वेस्ट विंटर मतलब सर्दी के मौसम में देखा जाता था एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा समस्या, उसका सावधान यहाँ पे मिला है। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। पहले हम फिल्टरलेस रेट्रोफिट डिवाइस के बारे में जानेंगे। ये फिल्टरलेस रेट्रोफिट डिवाइस जो है ये इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व किया जाएगा या इंस्टॉल किया जाएगा और व्हीकल्स में इंस्टॉल किया जाएगा ताकि ग्रास रूट लेवल पे पर्टिकुलेट मैटर पोजीशन या जो पोल्यूशन है उसे हम कम कर सके। जैसे कि हम सबको पता है एयर पोल्यूशन भारत के बहुत सारे जगह और भारत की विशालता को देखा जाए तो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारे देश की जो मैन पावर और रिसोर्स है उसके अतिरिक्त एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना ज़्यादा सभी सोर्सों से बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। इस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल मिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे UNDP ने एक जियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिससे स्पेस से हम सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन को देख सकते हैं और उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। इस जियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अतिरिक्त 37,000 जो ईंट बनाने की यूनिट होती हैं उन ईंटों की यूनिट पे निगाह बनाई गई है और उनके इल्लीगल एक्टिविटीज़ को देश पहचान सका है। तो इस जियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह नए इनोवेशंस को और बढ़ोतरी देने की ज़रूरत है। तो इनके दौरान जैसे कि हमने देखा कुछ प्रोविजंस फ्यूचर में मतलब नियर फ्यूचर में रिजल्ट्स देंगे, कुछ प्रोविजंस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन और क्या करना है जिसके अतिरिक्त एयर पोल्यूशन को बहुत जल्दी हम कंट्रोल में ला सकें। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए गए हैं। तो एक कि सरकार को इकोसिस्टम बनाना है जहाँ इनोवेशन को बहुत ही प्रावधान दिया जाए, तो गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा होता है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट भी दे रहा है तो एंटरप्राइजेस काम क्यों करेंगे, तो एंटरप्राइजेस और काम करेंगे तो उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको राइट प्राइस इन द मार्केट ताकि सर्टिफिकेशन सही तरीके से मिले। तो इन हर्डल्स को निकालने की वजह से एंटरप्राइजेस को बढ़ोतरी देना है ताकि वो नए इनोवेशंस पे काम करें। तीसरा कहा जा रहा है तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जब तक प्राइवेट इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट नहीं होंगी तब तक अफोर्डेबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा,
कार्बन फुटप्रिंट को लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे अगर करना है तो प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़रूरत है और इनोवेशन सिस्टम को दूसरे लेवल पे लेके जाने के लिए, ताकि टेक्नोलॉजिकली प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है और ज़्यादा रिसोर्स होने के कारण। तो भारत में इन तीन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है ताकि एयर पोल्यूशन को बहुत कम समय में ज़्यादा इफेक्टिवली हम देख सकें। देश में अगर फंडिंग एयर पोल्यूशन में ज़्यादा करना है तो इन तीन क्षेत्रों में गवर्नमेंट, एंटरप्राइज और प्राइवेटाइजेशन तीनों लेवल पे काम होगा, तभी एयर पोल्यूशन के विरुद्ध बहुत सारा फंडिंग और बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, ताकि बहुत जल्दी हम इसके विरुद्ध एक सोल्यूशन पा सकें। तो ये आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस था। तो प्लीज़ आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विशेष फीडबैक को कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि हम इस इनपुट को लेकर इस हिंदू न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम को और भी एफिशिएंट बना सके, ताकि आपके करंट अफेयर्स प्रिपरेशन कम्प्लीटली पूरी हो और आपके एग्ज़ाम में इसका महत्वपूर्ण लाभ हो। तो थैंक यू, जय हिंद।